दोस्तों मोटोरोला ने बजट रेंज में पी ओलेड डिस्प्ले के साथ आने वाला स्मार्टफोन लॉन्च किया है, मोटो G52। हाय, दिस इज केतन फ्रॉम टेक हाईलाइट। दोस्तों एज वी नो, मोटो G31 जो कि एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता था, उसका एक सक्सेसर अब हमें फाइनली मिल गया है, मोटो G52। एंड आज के वीडियो में हम इस मोटो G52 का रिव्यू करेंगे विथ इट्स प्रोज एंड कॉन्स। सो एट द एंड ऑफ वीडियो आप डिसाइड कर पाए कि आपको मोटो G52 लेना चाहिए या फिर नहीं। वीडियो को पूरा देखना एंड अच्छा लगे तो लाइक करके सपोर्ट जरूर करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मोटो G52 कुछ इस प्राइसिंग के साथ आता है एंड आगे हम देखेंगे कि क्या ये फोन सच में वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है या फिर नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी प्रोज ऑफ मोटो G52। दोस्तों मोटो G52 6.6 इंच की पी ओलेड डिस्प्ले के साथ आता है जो 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले को आप चाहे तो ऑटो पर भी सेट कर सकते हैं एंड इसमें आपको फ्लिकर प्रिवेंशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। ऑल्सो यहाँ पर आपको पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है एंड यहाँ पर HDR प्लेबैक का सपोर्ट नहीं है एंड यूट्यूब पर आप जस्ट 1080p तक ही वीडियो देख पाएंगे। मोर ओवर डिस्प्ले ब्राइट है, आउटडोर्स में ये इजिली विजिबल है। ऑल्सो डिस्प्ले में आपको कलर्स वगैरह शार्प एंड ब्यूटीफुल देखने को मिलते हैं। नाउ यहाँ पर पी ओलेड पैनल यूज हुआ है तो इसकी वजह से इसके बेजल्स वगैरह बहुत ही कम है एंड डिस्प्ले दिखने में मॉडर्न लगता है। एंड लास्ट में यहाँ पर वाइड बैंड L1 का सपोर्ट भी मिल जाता है तो आप नेटफ्लिक्स एंड प्राइम वीडियो को HD में स्ट्रीम कर पाएंगे। ओवरऑल मोटोरोला ने बजट प्राइस में काफी ब्यूटीफुल डिस्प्ले मोटो G52 में प्रोवाइड किया है। दोस्तों मोटो G52 में आपको स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर मिलता है जो 6nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड 4G प्रोसेसर है। नाउ प्रोसेसर विदाउट डाउट काफी अच्छा है बट 5G नहीं है। इसमें आपको एड्रेनो 610 GPU मिलता है। एंटूज स्कोर यहाँ पर आपको 2,40,000 के करीब मिलता है। वही इसका गीक बेंच स्कोर आप स्क्रीन पे देख सकते हो। गेमिंग की बात करें तो BGMI यहाँ पर आप स्मूथ हाई सेटिंग के साथ 30 FPS पे खेल सकते हैं एंड गेम प्ले आपका यहाँ पे स्मूथ चलता है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। COD मोबाइल भी यहाँ पर आप लो ग्राफिक्स एंड मीडियम फ्रेम रेट के साथ खेल सकते हो। गेम आपका स्मूथ चलता है एंड आप कैजुअली इसको एंजॉय कर सकते हो। इन शॉर्ट कैजुअल गेमिंग के लिए ये फोन कैपेबल प्रोसेसर के साथ आता है। दोस्तों मोटो G52 में आपको 90 हर्ट्ज की स्मूथ रिफ्रेश रेट के साथ LPDDR4X रैम एंड UMCP स्टोरेज ऑप्शन मिलता है। नाउ UMCP को आप UFS 2.1 एंड 2.2 के आसपास मान सकते हो। अगर आप इसका UI एनिमेशन देखते हो तो फोन डे टू डे टास्क के लिए स्मूथ है एंड आपको यहाँ पर सब कुछ स्मूथ लगेगा। UI में कोई भी लैग वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमने इसका CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट किया एंड यहाँ पर मुझे 70% स्कोर के साथ थ्रॉटल करता हुआ इसका CPU नजर आया, बट फिर भी ओवरऑल मोटो G52 का परफॉर्मेंस अच्छा है। दोस्तों मोटो G52 में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है जो आपको इजिली 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप दे देगी। साथ ही यहाँ पर आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग एडाप्टर मिलता है जो आपके फोन को तेजी से चार्ज करने में हेल्प करेगा। ओवरऑल एक अच्छे बैटरी बैक के साथ आपको मोटो G52 मिल जाता है। दोस्तों मोटो G52 में आपको एंड्रॉइड 12 बेस्ड मोटोरोला कस्टमाइज स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है। हालांकि इसमें आपको थोड़े बहुत ब्लोटवेयर मिलते हैं जिनको आप रिमूव कर सकते हैं, बट ओवरऑल आपको एक क्लीन एंड पिक्सल लाइक एक्सपीरियंस मोटो G52 में मिल जाता है। दोस्तों मोटो G52 में आपको बजट रेंज में ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं। ये डेफिनेटली लाउड है, आपको फोन से कंटेंट एंजॉय करने में मजा आएगा। कुछ और प्रोस की बात करें तो यहाँ पर आपको हेडफोन जैक का सपोर्ट मिल जाता है, कैलिब्रेशन का सपोर्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाता है एंड साथ ही फोन में आपको कीबोर्ड पर ही वाइब्रेशन वाला हैप्टिक फीडबैक मिल जाता है। ऑल्सो ये फोन IP52 रेटिंग के साथ आता है एंड यस इसमें आपको अनाउंसमेंट वाला कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाता है। दोस्तों अगर अब तक आपको वीडियो पसंद आया है देन प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों एज यू नो हम ये सब फोन अपने पैसे से बाय करते हैं सो देट हम आपके लिए इसका ऑनेस्ट रिव्यू लेके आ सके। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन नीचे वाले लाल बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। After discussing its pros, let's talk about cons of Moto G52. दोस्तों Moto G52 में आपको प्लास्टिक बैक एंड प्लास्टिक फ्रेम मिलता है एंड सच में दिखने में ये डेफिनेटली सॉलिड है, बट डिजाइन वाइज ये एकदम कॉपी पेस्ट है अपने दूसरे मॉडल के डिजाइन के साथ। अगर आप इनके Moto G31, Moto G51, G71 या फिर इनके फ्लैगशिप S30 Pro की भी डिजाइन देखेंगे तो सब में आपको डिजाइन ऑलमोस्ट सिमिलर देखने मिलते हैं, जो पर्सनली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आई थिंक मोटोरोला को डिजाइन में कुछ काम करना चाहिए एंड प्राइस के हिसाब से अपने स्मार्टफोन में डिजाइन देना चाहिए। हालांकि इस फोन में प्राइस के हिसाब से डिजाइन सही है। एनीवेज पी ओलेड की वजह से यहाँ पर फोन स्लिम है विथ 7.9 mm थिकनेस एंड इसका वेट प्लास्टिक बिल्ड होने की वजह से जस्ट 169 grams है। दोस्तों मोटो G52 में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 50 MP का मेन कैमरा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा एंड 2 MP का एक मैक्रो कैमरा मिलता है। एंड अगर आप इसके कैमरा रिजल्ट देखेंगे तो पिक्चर्स में आपको हल्का सा नॉइज देखने को मिलेगा। ऊपर से डायनामिक रेंज एंड शार्पनेस की भी
यहाँ पर आपको कमी देखेगी। इसमें आपको मैक्रो शॉट के लिए डेडिकेटेड ऑप्शन मिलता है, बट मैक्रो शॉट ये ठीक से ले नहीं पाता, मीन्स इसको मैं एक तरह का गिमिक ही बोलूंगा। हियर आर सम मोर कैमरा सैंपल्स। वीडियो की बात करें तो इस फोन के साथ आप 1080p 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। हालांकि वीडियो की क्वालिटी मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। क्लियरली यहाँ पर आपको जिटर्स देखने को मिलते हैं वाइल शूटिंग वीडियोस। सेल्फी के लिए यहाँ पर आपको 16MP का कैमरा मिलता है एंड ये भी ठीक ठाक सेल्फी क्लिक कर लेता है। कैमरा ऐप की बात करें तो ड्यूअल रिकॉर्डिंग एंड सारे ही इंपॉर्टेंट फीचर आपको इसके कैमरा ऐप में मिल जाते हैं। ओवरऑल प्राइस के हिसाब से बिलो एवरेज कैमरा सेटअप आपको मोटो G52 में मिल जाता है। कुछ और कॉन्स की बात करें तो OLED डिस्प्ले होने के बाद भी इस फोन में आपको इन डिस्प्ले स्कैनर नहीं मिलता। आपको यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो कि फास्ट एंड एक्यूरेट है। ऑल्सो इस फोन में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है जिसकी वजह से या तो आप दो सिम या फिर एक सिम और एक SD कार्ड यूज कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आप एक 4G फोन के लिए देख रहे हैं एंड कैमरा आपके लिए इतना ज्यादा मैटर नहीं करता तो आप इस फोन को डेफिनेटली ले सकते हो। अदरवाइज फिर आप थोड़ा बजट इंक्रीज करके मोटो G71 ले सकते हो। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि आपको मोटो G52 लेना चाहिए या फिर नहीं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑल्सो स्मार्टफोन कैसे ऑनेस्ट रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ माई फ्रेंड्स।